हेलो फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड, हमारे पास ये सैमसंग इस फ़ोन में जो है FRP लॉक आया है। तो आपको ये वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक का देखना है। तो मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह से इसका FRP अनलॉक कर सकते हैं। तो फाइनली देखिए, आपको सबसे पहले वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है इस फ़ोन को। तो मैं सिंपली इसको वाईफाई से कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि इसमें FRP लॉक आया है कि नहीं आया है। तो फाइनली आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को करना होगा लाइक। अगर आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए। फाइनली मैं आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है नेक्स्ट नहीं हो रहा है, तो पुराना वाला जो जीमेल है वही मांग रहा है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे जो 3 टाइम के लिए होम की को प्रेस करना है, तो आपको यहाँ पे होम की को प्रेस करना है तो टॉक बैक जो है ऑन होगा। तो सिंपली मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ, 1 2 3। तो ये देखिए, उसके बाद एल करना है। यहाँ पे एल कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पे जो है टॉक बैक सेटिंग जो दिख रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको 3 टाइम के लिए फिर से जो है होम की को प्रेस करना है। उसके बाद टॉक बैक को ऑफ कर देना है, टॉक बैक को। तो यहाँ पे जो हेल्प एंड फीडबैक है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो सिंपली यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने YouTube ओपन होकर आएगा, तो उसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने शेयर का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से YouTube को जो है यहाँ से नीचे लाना है। उसके बाद यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन है, उसके बाद टर्म एंड प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक करना है। तो उसके बाद आपका जो है यहाँ पर आपका जो है सब कुछ आ गया है। तो सिंपली आपको चाहिए एक मेमोरी कार्ड। इस मेमोरी कार्ड में आपको एक लॉन्चर को डाउनलोड कर लेना है और एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। उसके बाद आप सिंपली इस स्टेप को आराम से कर सकते हैं। कोई भी फ़ोन आए तो इसमें जो है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, उसके बाद माई फाइल पे क्लिक कीजिए, तो आपके सामने SD कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने जहाँ पर भी फाइल को रखा हुआ है तो आपको वहाँ पर जाना है। उसके बाद इस लॉन्चर को आपको इंस्टॉल कर देना है अपने फ़ोन पर। तो मैं इसको करने जा रहा हूँ, तो आप भी इसको कर लीजिए। उसके बाद इसको इंस्टॉल कर दीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। यहाँ से इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको सिंपली आपको क्या करना है मैं दिखाता हूँ। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो सबसे पहले आपको सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको जो तो यहाँ पर आपको जाना है, देखिए लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी पर जाना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जो है मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर क्लिक कर लिया। उसके बाद फाइनली आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको मिल जाता है अदर सिक्योरिटी सेटिंग। तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर, तो इसको यहाँ से डीएक्टिवेट कर देना है। तो मैं इसको डीएक्टिवेट कर दे रहा हूँ। उसके बाद फाइनली आपको बैक कर लेना है। आप जो है बैक कर लीजिए। उसके बाद मैं बैक करके आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको एप्लीकेशन के अंदर जाना है, ऐप्स के अंदर जाना है। ऐप्स के अंदर जाने के बाद आपको जो ऊपर में 3 डॉट दिख रहा है वहाँ पे आपको जाना है सिंपली। तो मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे देखिए जो ऊपर में 3 डॉट है यहाँ पे आना है आपको फाइनली। तो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले। तो 3 डॉट जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे जाइए। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे शो ऐप कर देना है आपको यहाँ पर। तो नीचे आना है, उसके बाद यहाँ पर जो गूगल पे आना है सिंपली नीचे करके आना है। तो यहाँ पर देखिए मैं आता हूँ सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे गूगल अकाउंट मैनेजर को आपको चूज़ कर लेना है। तो आपको कहाँ पे है देख लेना है। तो यहाँ पे देखिए गूगल के नीचे गूगल अकाउंट मैनेजर है, तो यहाँ पे इसको इनेबल कर देना है। यहाँ पे पोस्ट स्टॉप कर सकते हैं या फिर इनेबल कर सकते हैं। तो इनेबल रहना चाहिए आपको, यहाँ पे इनेबल दिखना चाहिए तभी आपका जो होगा। फिर से आपको नीचे आना है, वहाँ पर आपको प्ले स्टोर का जो गूगल अकाउंट प्ले सर्विस है इसको आपको पोस्ट स्टॉप कर देना है। उसके बाद इसको इनेबल कर देना है। तो ये आपका इनेबल यहाँ से हो गया। अब सिंपली यहाँ पे आपको बैक करके आना है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। उसके बाद फाइनली आपको सिंपली यहाँ पे जो ये एप्लीकेशन है इसको आपको इंस्टॉल करना है। तो यही वाला मेन एप्लीकेशन है, आपको ये इस एप्लीकेशन की मदद से जो है आप आराम से इसको काम कर सकते हैं फाइनली। तो इस एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर लीजिए, गूगल पे जाके सर्च कीजिए, उसके बाद तो आपके सामने आ जाएगा ये एप्लीकेशन, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद इसको डन कर देना है यहाँ से, या फिर इसको यहाँ से डन कर दीजिए।
उसके बाद सिंपली आपको कहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, तो सिंपली आपको जाना है सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपको मिल जाता है क्लाउड अकाउंट, तो यहाँ पे अकाउंट पे जाना है। तो यहाँ पे ऐड अकाउंट जो दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक जीमेल आईडी देके साइन इन कर। फाइनली हमारे पास एक जीमेल आईडी पहले से बना हुआ है, तो मैं उसी जीमेल आईडी को देके साइन इन कर ले। मुझको मैं वही जीमेल यहाँ पे दे देता हूँ सिंपली। तो आपको भी यहाँ पे एक जीमेल दे देना है, या फिर क्रिएट अकाउंट, आपके पास अगर कोई जीमेल नहीं है तो नीचे क्रिएट अकाउंट है, वहाँ पे जाके कर सकते हैं। तो इसको मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, तो जीमेल देने के बाद इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आपको फाइनली क्या करना है, यहाँ पे पासवर्ड दे देना है, तो मैं पासवर्ड भी दे दिया यहाँ पे देखिए। उसके बाद इसको नेक्स्ट करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर देने के बाद आपका नेक्स्ट जो स्टेप है वो आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। तो जैसे आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ टाइम लगेगा आपके। तो देखिए यहाँ पे ये जो है आपका हो गया है सिंपली। तो यहाँ से इसको हम जो है दिखा देते हैं जो जीमेल है वो यहाँ पे ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए मैं यहाँ पे देखिए ऐड हो गया है। तो फाइनली आपको करना है वीडियो को लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो ऐप के अंदर जाइए, उसके बाद थ्री डॉट पे जाइए, उसके बाद शो सिस्टम ऐप पे जाइए। यहाँ पे आपको जो आपने यहाँ पे डिसेबल किया था वहाँ पे आना है। तो देखिए मैं सिंपली दिखा देता हूँ आपको सिंपली। तो आपको भी कर लेना है यहाँ से इसको। तो देखिए यहाँ पे गूगल अकाउंट मैनेजर जो है यहाँ पे डिसेबल है, तो इसको आपको कर देना है इनेबल। तो फाइनली मैं इसको कर रहा हूँ इनेबल। तो यहाँ से इसको इनेबल कर देना है आपको। तो ये एक हो गया। फिर से आपने जो और एक किया था तो वहाँ पे आना है। तो देखिए यहाँ पे डिसेबल लिखा आ रहा है ऊपर में, तो इसको कर देना है इनेबल। तो इसको इनेबल कर देने के बाद फाइनली आपको करना है फ़ोन को रिस्टार्ट, और वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। आपके मन में कई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं फाइनली। तो आपको उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का वीडियो देखने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए, आपको किस तरह का वीडियो पसंद है वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे आपको सेटिंग कर लेना है, तो मैं इसको सेटिंग कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए। मैं इसको नेक्स्ट करके आपको बताइए इसको किस तरह से करना है। तो फाइनली देखिए आप जो है यहाँ पे आपका अकाउंट जो है वो ऐड हो गया है। तो आप विदाउट पीसी की मदद से ये काम कर सकते हैं नोगाट वर्सन एंड्रॉयड में। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी है। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, इस तरह से कीजिएगा आपको। उसके बाद आपका जो ये जीमेल आईडी है इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं फाइनली। तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा किस तरह से करना है, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए तो मैं एक वीडियो बना दूँगा आपके सामने। तो मैं आपको डिटेल्स में समझा रहा हूँ, आपको ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना है। फाइनली आपको वीडियो को करना है लाइक, चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। तो देखिए यहाँ पे अकाउंट जो है हमारा ऐड हो चुका है, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। तो फाइनली इसको नेक्स्ट कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो फाइनली देखिए यहाँ पे कुछ टाइम लग रहा है, तो टाइम तो लगता ही है आपके फ़ोन में। तो फाइनली किसी भी जीमेल को आप रिमूव कर सकते हैं, सैमसंग के किसी भी नोगाट फोन का इस तरह से जो है कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फाइनली आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, फाइनली इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक चाहिए। ठीक है फ्रेंड, आप कमेंट कीजिए मेरे को। तो यहाँ पे कुछ टाइम लग रहा है, मैं आपको पूरा नॉट नाउ करना है। यहाँ पे नॉट नाउ करने के बाद आपको यहाँ पे जो है ऊपर में इसको जाना है, ऊपर करके स्किप कर देना है। यहाँ पे स्किप करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से यहाँ पे फिनिश दे देना है, या फिर आपको थोड़ी देर के लिए वेट करना है। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ठीक है फ्रेंड, तो आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका कैलकुलेटर मेथड जो है फेल बता रहा था, तो मैंने इस ट्रिक से इस ट्रिक की मदद से किया। तो आप भी कर लीजिए इसको, ठीक है। तो ये ट्रिक बहुत ही अच्छी है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार जो है वीडियो को देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे आप जो है लेटर कर सकते हैं या फिर रिट्राई कर सकते हैं। तो मैं लेटर कर रहा हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करना है। यहाँ पे इसको डन कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पे फिर से कंटिन्यू कर दीजिए। तो यहाँ पे एक ऐड आ गया है, तो इसको आपको कट कर देना है। ऊपर में देखिए एक कट का ऑप्शन है, तो ऊपर में कट का ऑप्शन है, कट कर दीजिए, उसके बाद बैक कर दीजिए, उसके बाद फिनिश कर दीजिए। तो आपके सामने देखिए फुल जो है मैं करके दिखा दिया प्रैक्टिकली।
तो आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपको जीमेल को रिमूव करके मैं दिखा देता हूँ यहाँ से, अगर आप जो है फ़ोन का जीमेल जो है रिमूव करना चाहते हैं, एक नया जीमेल ऐड किया तो मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए क्लाउड अकाउंट का ऑप्शन आता है, अकाउंट पर जाना है, गूगल पे पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर 3 डॉट है, इसके ऊपर क्लिक करना है रिमूव अकाउंट। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।